तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टिप्स की पुकार में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों आप लोग अपने कैसे व्हाट्सएप को चालू कर सकते हैं, यानी व्हाट्सएप अकाउंट कैसे आप लोग बना सकते हैं। दोस्तों होता क्या है ना कि जब भी दोस्तों हम जो है अपना मतलब जो है फ़ोन लेते हैं तो हम व्हाट्सएप वगैरह जो है चैट करने के लिए लेते हैं, मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमको पता नहीं होता कि व्हाट्सएप अकाउंट कैसे बनाया जाता है, व्हाट्सएप को चालू कैसे किया जाता है। तो आज कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्हाट्सएप जो है यहाँ पर कैसे आप लोग ऑन कर सकते हैं, अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कैसे कैसे जो है यहाँ पर अपने अकाउंट को बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा, एंड दोस्तों चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको अपना अकाउंट बनाने के लिए करना क्या है, आपको अपने जो है व्हाट्सएप को ओपन करना है। जब व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आने के बाद आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है अपना यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, तो आप लोग को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, तो हम इंग्लिश ही रहने देते हैं। एंड नीचे में यहाँ पर एरो का ऑप्शन आएगा, हम एरो के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर वेलकम टू व्हाट्सएप करके आएगा, तो आपको नीचे एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर दोस्तों क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। तो दोस्तों मोबाइल नंबर वही डालेगा जिस अकाउंट को ऑन करना चाहते हैं, जिस नंबर से वही मोबाइल नंबर डालना है। इस मोबाइल नंबर पर दोस्तों एक ओटीपी जाएगी, वो आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों नंबर चालू रहेगा तभी ओटीपी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है नंबर को हम डाल देते हैं, ठीक है। डालने के बाद दोस्तों हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर को कुछ इस तरीके से डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। एंड दोस्तों जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, कनेक्टिंग इस तरीके से होगा। उसके बाद दोस्तों हमारे जो है फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा, तो यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर से आपको इस तरीके से आ जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वेरीफाई और नंबर है। अभी दोस्तों यहाँ पर एक ओटीपी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ओटीपी आने के बाद आएगा का प्रोसेस क्या करना है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो फाइनली जो है दोस्तों वो जो है हमारे दूसरे नंबर पर ओटीपी आ चुका है, ठीक है, इस फ़ोन पे। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस फ़ोन को हम जो है ऑन करते हैं और यहाँ पर ओटीपी जो है हम इसे यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ओटीपी कुछ इस तरीके से आ चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस ओटीपी को हम इस तरीके से डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम जो है डाल दिए, अब हमारा वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई होगा, उसके बाद कुछ इस तरीके से आएगा, तो यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग आएगा, तो बैकअप लेना चाहते हैं तो बैकअप ले सकते हैं, बट अगर आपको बैकअप नहीं लेना तो यहाँ से बैक भी आ सकते हैं। दोबारा से आपको अपने जो है व्हाट्सअप को ओपन करना है, ठीक है। एंड दोस्तों जैसे ही आप लोग यहाँ पर व्हाट्सअप को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर स्किप कर देना है, बैकअप अगर लेना है तो ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर रिस्टोर के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा मतलब पूरा जो भी डेटा अगर डिलीट हुआ रहेगा ना, तो वो सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा, यानी बैकअप हमारा जो है यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए बस ध्यान से, तो बहुत आसानी मतलब यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों यहाँ पर देखिए अकाउंट इस तरीके से आएगा, तो नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको नीचे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट पास की आएगा, पास की लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। उसके बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर दोबारा से आप लोग आ जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद फाइनली जो आपका अकाउंट रहेगा, आपको इस पर क्लिक करके डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपका अकाउंट है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो अकाउंट बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से दोस्तों आसानी से आप लोग जो है अपने अकाउंट को बना सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर वीडियो कैसे लगी प्लीज़ दोस्तों आप लोग जो बताइएगा। एंड दोस्तों चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, बाय बाय दोस्तों।